हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ की ज्योग्राफी। ये क्लास टेंथ की ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है और चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर 8। और इसको हम वन बाई वन सारे टॉपिक से डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का पहला लेक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेस, मतलब जल संसाधन। रिसोर्सेस ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान की इच्छाओं की या इंसान के लिए उपयोगी हो या यूजफुल हो, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स कहलाती हैं। रिसोर्स का मतलब है एनी थिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसानों की ज़रूरतों को पूरी करे, वो कहलाती है रिसोर्स। और आपको पता है, पानी तो बहुत बड़ा रिसोर्स है। बिना पानी के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जल ही जीवन है, ये कोट आपने सुनी होगी पहले ही। तो वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस है। इट इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर ह्यूमन एज वेल एज इट इज़ हेल्पफुल फॉर मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के लिए, जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। दिस इज़ द एजेंडा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वाटर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इंडिया में कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान के बारे में जानेंगे। देन वी विल केम टू नो अबाउट वाटर कंजर्वेशन, देन ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान, वाटर सेल्फ हेल्प ग्रुप और एक चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, जितना होगा दो टॉपिक, एक टॉपिक, जितना भी होगा टॉपिक बाई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटर के बारे में कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर 71% 71% अब देखो, अब ये जो डेटा दे रखा है, ये अपनी बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो अपनी राजस्थान की, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो देयर इज 71% वाटर एंड 29% लैंड। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर लगभग 71% तो पानी है और 29% है लैंड। मतलब ज़्यादातर हिस्सा हमारी पृथ्वी का किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। तो जो वाटर वाले एरिया को हम जनरली, आपको पता है, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पानी में से भी, जो भी 71% वाटर है, इसमें से भी 97% पानी है सेलाइन। सेलाइन का मतलब होता है नमकीन वाटर, खारा पानी, जो कि ज़्यादातर पाया जाता है समुद्र में, ओशियंस में, सागर में, महासागर, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। जितने भी ओशियंस हैं, ओशियंस का पानी आपको पता है जनरली कैसा होता है? सेलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है, ठीक है। बाकी जो 3% पानी है, वो है अपना मीठा पानी है, ठीक है, जो कहाँ कहाँ से मिलता है। अब ये 3% पानी कैसा है? जो हमारे यूज में आता है, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, तो ठीक है। और ये फ्रेश वाटर 3%, अब हम 3% की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान रखना, 71% का अगर यहाँ पानी देख रहे हैं, ये 71% पानी है पृथ्वी का, उसमें से 3% तो मीठा पानी और 97% कैसा पानी है? सेलाइन वाटर है। अब जो 3% पीने वाला पानी है, अब इसकी बात कर रहे हैं, 3% का, अब इसका परसेंटेज निकाल के देख रहे हैं, जो मीठा पानी है, मीठे पानी में 69% पानी आता है ग्लेशियर से। ग्लेशियर्स आपको पता है, जो बर्फ़ के से, बर्फ़ ही बर्फ़ वाले एरिया होते हैं, जो बर्फ़ के से, जो पहाड़ से होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं। और 30% पानी आता है अंडरग्राउंड से। तो आपको पता है, मीठा पानी एक तो ग्लेशियर से मिलता है, और 30% मीठा पानी कहाँ से मिलता है? अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है। और 1% पानी जो पीने योग्य, वो कहाँ से? ड्रिंकिंग, सॉरी, बट ओनली 1% पार्ट ऑफ वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब 1% पानी ही ऐसा ही है जो हम किस में यूज करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं और इरीगेशन के लिए। बाकी 30% पानी कहाँ पे? अंडरग्राउंड में। और 69% पानी कहाँ पे? ग्लेशियर्स के रूप में, ठीक है। और ये पानी कैसा है? मीठा पानी है बॉस। कैसा पानी है? मीठा पानी। बाकी 97% आपको पता ही है कैसा है? खारा पानी है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान रखना, टोटल है हमारा पानी 70%। 70% में से 97% पानी है सेलाइन और 3% पानी है आपका ड्रिंकेबल वाटर या फ्रेश वाटर। अब इस 3%, अब हम मीठे पानी की बात करें, अब 3% बोले जो मीठा पानी है, उसमें से, अब उसमें से जैसे आपने देखा है यहाँ पर, ये 3% अभी मीठा पानी है, ठीक है। इसमें से 69% जो मीठा पानी है, वो 69% तो है ग्लेशियर्स के रूप में, 30% है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, और 1% है जो जिसको हम यूज करते हैं पीने में या इरीगेशन, इरीगेशन का मतलब सिंचाई में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्ल्ड का मैप दिखा रखा है, ये ग्लोब दिखा रखा है, जो ब्लू ब्लू कलर है, ये पानी पानी है, बाकी सारे कॉन्टिनेंट हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इधर यूरोप, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
तो 97% पानी सेलाइन वाटर है जो नमकीन पानी, और 3% पानी फ्रेश वाटर है। इस 3% के सारे घटक हम देख चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब देखो, अब आपको पता है कि पीने वाला जो पानी है वो बहुत कम है, और आजकल आप देख रहे हो कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत नीचे जाता जा रहा है, एज वेल एज पानी की समस्या बहुत बड़ी विकराल होती जा रही है, ठीक है। तो अगर हमने पानी को सही से मैनेज नहीं किया, पानी को सही से यूज नहीं किया, तो पानी की क्राइसिस हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आने वाले समय में अगर पानी को बचाए रखना है, मीठे पानी को या फ्रेश वाटर को या अंडरग्राउंड लेवल का बचाए रखना है, तो हमें एक वाटर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। आपको पता ही है हर शहर में हर गाँव में आजकल पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हुई है। इसका एक प्राइम रीज़न क्या है? इसका प्राइम रीज़न एक तो हम वाटर का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? हम वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने सुना होगा वाटर कंजर्वेशन एक टेक्निक है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? ऐसी ऐसी टेक्निक्स को अपनाया जाता है ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट मतलब उसको कंजर्व कर। अब आपको पता होगा कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सुनी होगी, जिसमें बरसात के जल को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करेंगे तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, और वो पानी धीरे धीरे सिप सिप के नीचे मतलब अंडरग्राउंड में चला जाता है, अंडरग्राउंड का लेवल भी बना रहता है। तो और भी कई सारी टेक्निक्स हैं, आपने देखा हो कई सारे गाँव में मतलब पोखर वोखर पॉन्ड टाइप बना देते हैं, तो गांव का पानी पॉन्ड में चला जाता है ताकि जो अंडरग्राउंड लेवल है गांव के आसपास का वो कैसा रहे, ज़्यादा रहे। तो वाटर मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? बस यही करेंगे, जो बरसात का पानी है, बरसात के पानी को मेनली मेनली फोकस किस पे? जो बरसात का पानी हो जनरली जो किस में चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है रिवर्स के थ्रू, उसको हम क्या करेंगे, वेस्ट होने से बचाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ वाटर मैनेजमेंट। तो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इंटू सीज थ्रू रिवर्स। आपको पता है ज़्यादातर बरसात का पानी रिवर्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ओशियंस में या सी में पहुँच जाता है, ठीक है। सो वी नीड टू अडोप्ट वाटर मैनेजमेंट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि अगर आप देखो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, हर मतलब 10 साल में पॉपुलेशन 15-20 करोड़ बढ़ जाती है आसानी से, 20-20 करोड़। तो अब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, लिमिटेड हैं। इसलिए इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरी करना है तो हमें वाटर कंजर्वेशन करना या वाटर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ऐसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी ताकि हम वाटर का क्या कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, सो दैट फ्यूचर में हम अपने आप को बचा सकें। कौन कौन सी कंडीशन है? ड्रॉट एंड फेमाइन। ड्रॉट का मतलब है सूखा और फेमाइन का मतलब है अकाल। जब पानी की कमी हो तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। अगर किसी एरिया में पानी बरसात ना आए तो उस एरिया कहते भाई सूखा पड़ गया, और सूखा लगातार कई समय तक बहुत समय तक चलता रहे तो फिर समस्या आ जाएगी फेमाइन की। तो फेमाइन में क्या होता है, तो फेमाइन में पानी भी नहीं रहता, पानी के साथ साथ अनाज की भी कमी हो जाती है, तो इसमें लोग बाग प्लस जो पशु हैं वो भी मरने लग जाते हैं, ठीक है। ये हो गया तो वाटर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन है, तो वाटर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रेन वाटर। किसको यूटिलाइज कर रहे हैं? यूटिलाइज का मतलब उपयोग कर रहे हैं, हम किसको उपयोग कर रहे हैं, रेन वाटर को यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कैसे, बाई अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को यूज कर रहे हैं, और क्या यूज करके, क्या अडोप्ट करके, अडोप्ट का मतलब अपना के कुछ मैनेजमेंट के तरीके अपना रहे हैं, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के तरीके अपना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर मैनेजमेंट क्या एक एक्टिविटी है जिसमें हम प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैनेज करते हैं, और पानी का ऑप्टिमम यूज करते हैं। वाटर रिसोर्सेज हैं उनका कैसा यूज करेंगे, ऑप्टिमम, ना ज़्यादा ना कम, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर आपको पता ही है एक बेसिक नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, हम सभी के जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। और कोई भी प्राणी, क्रिएचर का मतलब प्राणी, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता। और वाटर कैसा होता जा रहा है आजकल, स्केयरसिटी होती जा रही है। स्केयरसिटी का मतलब वाटर की कमी होती जा रही है। तो इस कमी को अगर हमें बचाना है, वाटर स्केयरसिटी की प्रॉब्लम से हमें बचाना है अपने आप को, तो वाटर को कैसा यूज करना पड़ेगा, इफ़िशियंटली यूज करना पड़ेगा, सही तरीके से यूज करना पड़ेगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज करना पड़ेगा। एज वेल एज हमें वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है उन पर ध्यान देना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई पानी का कैसे इस्तेमाल करना है, सही से इस्तेमाल करना है। ये है वाटर मैनेजमेंट, ठीक है।
तो आई होप वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है, ताकि हम अपने आप को या आने वाली जनरेशन को किससे बचा सकें, पानी की होने वाली कमी से बचा सकें, नंबर एक स्केयरसिटी से बचा सकें जो पानी की कमी आएगी, नंबर दो ड्रॉट की कंडीशन से बचा दें, नंबर तीन फेमाइन वाली कंडीशन है उससे बचाया जा सके। तो इन सभी चीज़ों से बचना है तो हमें वाटर का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो वाटर जो जितने भी वाटर के रिसोर्सेस हैं उनको सही से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। जनरली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स किसको कहते हैं, डैम्स को कहते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का मतलब है बहुउद्देश्यीय योजनाएं, बहुउद्देश्यीय, मल्टी मतलब मैनी, पर्पज़ मतलब उद्देश्य, मैनी पर्पज़ और प्रोजेक्ट्स का मतलब योजनाएं। ऐसी योजनाएं जिनसे कई सारे पर्पज़, कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है उनको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में आते हैं जनरली डैम। ठीक है, तो डैम आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। अब आपको पता है कि जो बांध होते हैं, ये देख सकते हो ये बांध है, ठीक है, डैम है, तो जो डैम होते हैं इनका कई सारे यूज होते हैं, कई सारे पर्पजों के पर्पज़ ये फुलफिल करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो देखो डैम क्या क्या, मतलब डैम के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या पर्पज़ पूरा करता है डैम। देखो नंबर एक, एक तो वाटर की सप्लाई करता है किसी भी एरिया में, क्या करता है वाटर की सप्लाई। दूसरा, यहीं से इरिगेशन की जा सकती है डैम के आसपास जो एरिया है उसमें इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल हो जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आपको पता है जो पानी से बिजली बनती है वो जनरली जहाँ डैम होता है डैम वाले एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है अगर कहीं पर डैम है, रिवर जा रही है, तो रिवर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, जैसे रिवर्स में इस बोट चलती हैं, नाव चलती हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल करता है, फ्लड को कंट्रोल कैसे करेगा, अगर मान लो बहुत ज़्यादा क्या किसी रिवर में पानी आ गया तो उस पानी को हम कहाँ ले आएंगे, इकट्ठा कर देंगे डैम में स्टोर कर देंगे, तो इससे क्या होगा अगर किसी एरिया में फ्लड आने वाली होगी, बाढ़ आने वाली होगी, वो पानी को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। फिशरीज मछली पालन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्रॉट कंट्रोल, सूखा कंट्रोल भी करता है, जैसे मान लो यहाँ पर पानी स्टोर है डैम में और इस एरिया में क्या आ गई सूखा पड़ गया, क्या पड़ गया यहाँ पे सूखा, तो यहाँ से पानी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई मेकिंग कैनाल और वाट एवर जो भी है कुछ भी बना के हम क्या कर सकते हैं ड्रॉट वाले एरिया में पानी को सप्लाई कर सकते हैं, तो ड्रॉट को भी कंट्रोल करता है, ड्रॉट मतलब सूखा। और जो डैम वाले एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा देखने लायक होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, तो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, मतलब टूरिज्म में भी हेल्प करता है, पैसा कमा सकते हैं इसे टूरिज्म में। और डैम्स आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ड्रॉट एंड फेमाइन, तो आपको पता है डैम जो होते हैं सूखा और अकाल को बचाने में हेल्प करते हैं, और इन्हीं डैम्स को, इन्हीं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था, ये हमारे भारत के या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं डैम्स को, उन्होंने क्या कहा कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं ये हैं दी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं। और ये कथन किसने कहा था, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि डैम्स को या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा, तो आप बताना पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो डैम्स हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं ये बनाए गए थे 5 ईयर प्लान्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में मैं बताऊंगा 5 ईयर प्लान्स। तो आपको पता है जैसे ही हमारे देश आज़ाद हुआ था तो उसके 1951 से ही 5 ईयर प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 5 ईयर प्लान्स के तहत हम क्या करते थे, हम प्लानिंग करते थे हमारे देश के लिए कि क्या क्या 5 साल में हम डेवलपमेंट करेंगे, क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो इन डैम्स को भी कैसे बनाया गया था, 5 ईयर प्लान्स के अंदर बनाया गया था। इन डैम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये हो गया डैम्स के बारे में। सो व्हाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़, ये हमने सारी चीज़ें देख ली, इरीगेशन में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, फ्लड कंट्रोल करते हैं, और अफोरेस्टेशन मतलब जहाँ डैम होगा तो वहाँ पर सीधी सीधी बात है प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अफोरेस्टेशन करते हैं, अफोरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन करना, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि पानी अवेले पानी होगा तो सीधी सीधी बात है प्लांट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, प्लांट बहुत ज़्यादा होंगे तो वो सॉइल का इरोजन नहीं होने देते हैं, जो प्लांट की जड़ें होती हैं रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, तो सॉइल इरोजन को भी ये कंट्रोल करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। यूज कैनाल फॉर नेविगेशन, कैनाल जो होते हैं वो नेविगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मछली पालन पिसीकल्चर उसको डेवलप कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो इंटरटेनमेंट के साधन हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल कराए जा सकते हैं, या टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी हेल्पफुल हैं। सो ठीक है, आज का आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी आने वाले सक्सीडिंग लेक्चर्स में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।